नमस्कार, स्वागत है आपका सेलेन न्यूज़पेपर व सेलेन न्यूज चैनल में। आज हम आपको रोज इनक्लेव में स्थित हॉस्पिटल डॉक्टर सेठ जी से बात करवाते हैं, जो किसी भी पहचान के मोहताज नहीं है। तो आइए बात करते हैं उनसे। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, वेलकम टू सेलेन न्यूज चैनल। धन्यवाद सर। मुझे आप ये बताइए कि यहाँ पर कौन कौन से डिजीज का जो है ट्रीटमेंट होता है? ये सेठ हॉस्पिटल बच्चों का इलाज करता है, न्यू बॉर्न बेबी से लेकर 18 साल की उम्र तक, और जिसमें छोटे एक साल से बड़े बच्चे भी और एक साल से छोटे बच्चे भी, और कभी हमारी जो इलेक्टिव सर्जरीज भी हम करते हैं जो इमरजेंसी में कभी आ जाए। ओके सर, ये बताइए कि कौन कौन सी सर्जरी यहाँ पर है और इसकी स्पेशलिटी और क्या है? नहीं, हम सर्जरीज में हमारा नहीं है, बच्चों का ही हमारा हॉस्पिटल है। तो उसमें सर्जन जो हमारे विजिटिंग सर्जन है, वो कभी हम इलेक्टिव सर्जरीज जैसे किसी के गाल बैडर की सर्जरी हुए वो हम कर लेते हैं, लेकिन बेसिकली हमारा ये बच्चों का ही हॉस्पिटल है। सर, जैसे कि आजकल कोरोना ने जोर पकड़ रखा है, जो कोविड-19 की, तो आपको कैसी प्रॉब्लम आई इसमें, आप क्या कहना? हाँ, कोरोना तो अभी बहुत फैल रहा था पीछे, लेकिन पीछे गवर्नमेंट की सारी एफर्ट से वो काफ़ी कंट्रोल भी हो गया था, लेकिन अब फिर थोड़ा सा बढ़ना, जैसे त्यौहार के दिन गए हैं तो उसके बाद थोड़ा सा ये बढ़ा है। और इसमें सबसे जो बड़ी बात हुई है कि इस समय जो बच्चे हैं उनमें कई बहुत सारे बच्चों में कोई सिम्टम साइंस नज़र नहीं आते, लेकिन वो साइलेंट कैरियर्स हैं। तो हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जब भी बच्चे को कोई भी फैमिली में या वैसे ही बच्चों को लगे कि इसका टेस्ट कराना चाहिए, तो हम कोविड टेस्ट कराने को प्रेफर करते हैं कि पहले वो ज़रूर करवा लेना चाहिए, ताकि किसी को घर में या दूसरों को किसी को से इन्फेक्शन ना हो जाए। जी सर, आप इसके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे सोशल डिस्टेंसिंग के लिए? मैसेज तो बहुत स्ट्रांग है, गवर्नमेंट भी हर समय हमें कहती है, हमारे जितने भी लीडर्स हैं सेंटर से लेकर पंजाब गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल तक, सब इसी बात पर है। और मैं भी यही करना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सभी से, कि एक डिस्टेंस बनाना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और जितना भी हो सके घर में रहो, जो बहुत ज़रूरी काम के लिए, स्पेशली जो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे जिनको शुगर है, ब्लड प्रेशर है, या एल्डरली लोग हैं, उन्हें घर से बाहर जाने का, शादियों में जैसे आजकल दिन होते हैं शादियों को, थोड़ा अवॉइड करें जाना, सिर्फ अपने घर में रहें, कुछ क्रिएटिव करें, कुछ ऐसा करें जिससे उनका मन लगा रहे। तो इसलिए वो बहुत ज़रूरी है ये डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना। जी सर, एक बात पूछना चाहूँगी, जैसे कई नीडी पेशेंट्स होते हैं, तो आप उनके लिए क्या कुछ? हाँ, नीडी पेशेंट्स के लिए हम जब पहले जब जैसे कोई हमारे पास आते रहते हैं, तो उनके लिए हमारा एक स्पेशली हम देख लेते हैं कि कैसा है, लेकिन अगर हमें लगे कि ये हमारी भी पहुँच से बाहर है, तो हमारे मेरे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो अगर हम उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं, जैसे कोई कॉस्टली मेडिसिन होए तो हम उनसे रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आप हमें ये मेडिसिन प्रोवाइड कर दो, वो लोग हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो इस तरह से हम सबकी हेल्प हो जाती है, काफ़ी हद तक तो हम अपने हॉस्पिटल में कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमें लगे कि कुछ ज़्यादा है, जैसे कुछ ऐसी मेडिसिन है जो थोड़ी कॉस्टली पड़ जाती हैं हॉस्पिटल को भी, तो कुछ ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं पिछले 20 साल से जो लगातार हमारी हेल्प भी करते रहते हैं। सेलेन न्यूज़पेपर का जो डायरेक्टर हैं, जो जिन्होंने ये इस्टेब्लिश किया, मैं उनको बहुत सालों से जानता हूँ, राधर की जब से मैंने प्रैक्टिस शुरू की है 35 साल से मैं उनको जानता हूँ। तो वो बहुत ही नेक इंसान है, बहुत हेल्पिंग हैंड है। तो वो उनके उनको जब जो उन्होंने ये शुरू किया, पहले भी करा था, फिर बीच में उन्होंने थोड़ी देर के लिए रोक लिया, अब जब से शुरू करा है वो अपनी पूरी एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं कि कैसे इसको जाए, ताकि कॉमन मैन तक जो भी फैसिलिटीज़ चीपर रेट पे पहुंचाई जा सकें, तो वो उसके लिए कर रहे हैं। तो मैं तो उनका आभारी हूँ कि वो इतना कर रहे हैं पब्लिक के लिए, सब लोगों के लिए, जो जिनको जिनके पास इंफॉर्मेशन जाएगी तो भी उनकी हेल्प है। तो इसलिए मैं तो उन्हें कहता हूँ कि ईश्वर आपको बहुत तरक्की दे, आप सब तक पहुँच सको, घर घर में आपका न्यूज़ चैनल जाए, घर घर तक आपका न्यूज़पेपर जाए, ताकि उससे लोग बेनिफिट उठा सकें। लेकर आता है या न्यूज़पेपर लेकर आता है, तो आप उसके लिए कुछ डिस्काउंट देना चाहिए?
हाँ बिल्कुल करेंगे आप, क्योंकि एमपी सिंह जी जो और आपकी सारी टीम जो इस तरह से बाहर निकली हुई है इस कोरोना के हालात में, घर घर जाके डॉक्टर्स के पास जाके इतना कर रहे हैं, तो आप, मैं आपको ही ऑथराइज करता हूँ कि आप अगर मेरे को लिख के भी भेजोगे कि इस पेशेंट से कोई पैसा ना लिया जाए, तो हम वो भी करेंगे। वैसे हम जनरली 15% डिस्काउंट पे कर सकते हैं। ठीक है, शुक्रिया।